भारतीय जनता पार्टी, मैंने उसका नाम बदल के रख दिया है भारतीय जुमला पार्टी। हम जुमला नहीं बोलते, हम गारंटी देने का काम करते हैं। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा दी जाए तो नरेंद्र मोदी नंबर एक पे आएंगे, दो नंबर पे नहीं आएंगे। पूरे देश में गंजे को कंघी बेचने का काम हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं तो पूछता हूँ भाजपाइयों से, कौन सा हिंदू धर्म पढ़ा है तुम लोगों ने? लेकिन कई बार प्रकृति भी आपकी परीक्षा लेती है। इस बारिश के बावजूद, खराब मौसम के बावजूद, आप लोगों की मौजूदगी ये बता रही है कि नूर यहां से जीतने जा रहे हैं। झाड़ू चलने वाली है, झाड़ू चलेगी यहां पे। और झाड़ू किस लिए चलाना है? क्योंकि आज इस मुल्क के अंदर जो नफरत की राजनीति, आपस में बांटने की राजनीति, समाज को तोड़ने की राजनीति जो चल रही है, उसके ऊपर झाड़ू चलाने का काम हमको आपको मिलकर करना है। हमको आपको मिलकर करना है। देश की पार्लियामेंट में नफरत फैलाने वाले लोगों के ऊपर झाड़ू चलाने का काम आपका ये छोटा भाई कर रहा है। नूर के लिए झाड़ू चलाने का काम यहां पर आपकी। यहां पर आप कीजिए झाड़ू चलाने का काम। आज एक पार्टी चुनाव मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी, मैंने उसका नाम बदल के रख दिया है भारतीय जुमला पार्टी। और मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को किसी भी काम में आप फेल मान सकते हैं, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा दी जाए तो नरेंद्र मोदी नंबर एक पे आएंगे, दो नंबर पे नहीं आएंगे। पूरे देश में गंजे को कंघी बेच रहे हैं, पूरे देश में गंजे को कंघी बेचने का काम हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्या वादा किया था भाजपाइयों ने? इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना पहुंच जाएगा, सबको याद है, कोई भूला नहीं है, 15 लाख दे देंगे। बोला नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। बोले किसानों को उनके फसल का दाम दोगुना कर देंगे। अरे कहने लगे 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। सारी बातें झूठ, झूठ और झूठ। झूठ बोलने का काम भाजपा ही करते हैं और गारंटी देने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं। हम जुमला नहीं बोलते, हम गारंटी देने का काम करते हैं। दिल्ली में जो कहा वो किया, पंजाब में जो कहा वो किया, और आज लखनऊ में हम कह रहे हैं नूर को यहां से जिता देना, अंजू भट्ट जी को मेयर में झाड़ू पर जिता देना, हाउस टैक्स हाफ किया जाएगा, वाटर टैक्स माफ किया जाएगा, और हाउस टैक्स का जितना भी आपका बकाया है वो बकाया फाड़ कर फेंक देना, जिस दिन आम आदमी पार्टी की मेयर होगी पुराना बकाया भी माफ किया जाएगा। हम गारंटी दे रहे, गारंटी दे रहे। जुमला पार्टी नहीं है हम लोग, जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं, ये आम आदमी पार्टी है। साथियों और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से दिल्ली वालों को एक संदेश भेजिए मोदी जी को कि यहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बुनियाद पर, एकता पर झाड़ू चलाकर हम लोग नफरत की दुकान को बंद करने का काम करेंगे। नफरत की दुकान को बंद करने का काम करेंगे। आज पूरे देश में कोई मुद्दा नहीं भाजपाइयों के पास। अभी चुनाव हो रहा है नगर निगम का, जहां चले जाओ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। बंद करो ये राजनीति, हमको हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करनी, हमको अपने बच्चों के स्कूल की राजनीति करनी है, अस्पताल की राजनीति करनी है, बिजली की राजनीति करनी है, पानी की राजनीति करनी है, रोजगार की राजनीति करनी है, तरक्की की राजनीति करनी है। जब ये मुल्क तरक्की पे जाएगा तो हिंदू भी तरक्की पे जाएगा और मुसलमान भी तरक्की पर जाएगा। बांटने की बात करते हैं, मैं तो पूछता हूं भाजपाइयों से, कौन सा हिंदू धर्म पढ़ा है तुम लोगों ने? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो हमने पढ़ा है
उसमें तो लिखा है वसुधेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हिंदू भी हमारा परिवार, मुसलमान भी हमारा परिवार, सिख भी हमारा परिवार, ईसाई भी हमारा परिवार। हमारे हिंदू धर्म में रामचरितमानस की चौपाई है, उसमें लिखा है सब नर करें ही परस्पर प्रीति, यानी सारे लोग आपस में प्रेम से रहें। अगर हम रामचरितमानस को मानते हैं, अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हम किसी से नफरत नहीं कर सकते। हिंदू धर्म का संदेश है प्यार का, अहिंसा का, भाईचारे का, एकता का। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये तो वो मुल्क है जहां बिस्मिल्ला खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। ये हिंदू और मुसलमान की एकता का देश है। हमारे भाईचारे को जो लोग नजर लगाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ आंख में आंख डालकर आम आदमी पार्टी और आपका भाई संजय सिंह खड़ा होगा, मैं आपसे वादा करता हूं। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। तो इसलिए मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि आज इस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, कितने वोट मिले नहीं मिले उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जहां जहां आम आदमी पार्टी आई है, जहां जहां लोगों ने झाड़ू चलाई है, हमने राजनीति की गंदगी को साफ करने का काम किया है। 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी केजरीवाल जी को, देश के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा 200 यूनिट तक बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर। कांग्रेसी कहते थे, भाजपाई कहते थे, तो कर ही नहीं पाएंगे। वो सपना दिल्ली में हमने सच करके दिखाया, बिजली फ्री मिलती है दिल्ली में, पानी फ्री करने का काम किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की, मोहल्ला क्लिनिक बनाया। हम नगर निगम में भी वादा कर रहे हैं, नूर अगर यहां से जीतेंगे तो आपके वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक होगा, 200 तरह की जांच फ्री होगी, अल्ट्रासाउंड होगा, दवा का इंतजाम होगा। पंजाब में हम गए, हमने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। भाजपा वाले चिल्लाने लगे, कांग्रेस वाले चिल्लाने लगे, कहां से करोगे, कहां से करोगे, कहां से करोगे। भगवंत मान जी की सरकार ने बिजली का बिल 300 यूनिट तक जीरो कर दिया। आज 82% घरों में पंजाब के अंदर जीरो बिजली का बिल आता है, जीरो जीरो बिजली का बिल आता है। तो इसका मतलब सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन भाजपा ही आपके खजाने को लूटने का काम करते हैं। और लूट के कहां पहुंचाते हैं माल, कहां माल पहुंचाते हैं? अडानी, देखो ये मालूम, देखो इनको पता है कहां पहुंचाते हैं माल, कहां पहुंचाते हैं सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। बच्चे, आपकी मेयर की भी कैंडिडेट आ गई अंजू भट्ट जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए, आइए बैठिए बैठिए। तो मैं अब ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जैसे हम लोगों के गांव में किसी को भूत सवार हो जाता है तो उसका भूत उतारने के लिए क्या चाहिए, झाड़ू, क्या चाहिए, झाड़ू। सब लोग पकड़ के ले जाते हैं ओझा जी के पास, तो ओझा क्या करता है, दे झाड़ू, दे झाड़ू, दे झाड़ू। करता नहीं करता, करता कि नहीं करता, दरगाह पे गए हो कि नहीं, ये हाँ, तो वहां भी देखो जिसको भूत चढ़ जाता है तो दे झाड़ू, दे झाड़ू, भूत उतारते नहीं उतारते हैं। भाजपाइयों के दिमाग पर जो भूत चढ़ा है, वो भूत उतारने के लिए क्या चलाना है, झाड़ू, क्या चलाना है, झाड़ू, क्या चलाना है, झाड़ू। तो मेयर में अंजू भट्ट को झाड़ू पर निशान पे बटन दबाइए और वार्ड में नूर सिद्दीकी को झाड़ू निशान पे बटन दबाइए। आ जाइए अंजू जी, इधर आ जाइए।
अदर ये दोनों कैंडिडेट हमारे हैं, एक मेयर की और एक वार्ड के, दोनों को किस चुनाव निशान पे वोट देना है? इस पर, और झाड़ू पे बटन देगा दबाकर इनको जिताना है। और जो वादे हमने किए हैं, हमने कहा है एक जुमला पार्टी है, दूसरी गारंटी पार्टी है, साथ किसका देना है? गारंटी पार्टी किसका देना है? गारंटी पार्टी।